नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा कि सीबीआई रेड बंधु तिर्की के घर में, हम बंधु तिर्की के आवास के सामने ही खड़े हैं। अभी उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं और हम लगातार चैनल में अपडेट्स देते आ रहे हैं जीएन भारत में कि सीबीआई का रेड और ईडी का रेड जो है वो झारखंड में बहुत गर्म है। सीबीआई और ईडी किसी को नहीं छोड़ रही है, जहां मौका मिल रहा है। हो सकता है पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही कि बंधु तिर्की के घर में कल सीबीआई की रेड पड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा है कि ये मुझसे बदला लिया जा रहा है, मांडर में जो मेरा इतना पावर है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नौ मैं दिल्ली में रहता हूँ, 9 घंटे मेरे घर में सीबीआई आ जाती है, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो 9 घंटे ये लगातार कर रही है, ओवर सी बात है, जो सीबीआई जब घर में आती है तो चिकन बिरयानी 1 घंटे में खा के नहीं चली जाएगी, ओवर सी बात है। 9 घंटे 10 घंटे ये नॉर्मल फॉर्मेट होता है सीबीआई के जांच का। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो मान लिया कि पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बंधु तिर्की के ऊपर बहुत घोटाला का चार्जेस लगे हैं। चाहे मेगा कॉम्प्लेक्स में जो बजट था वो 200 करोड़ का था, लेकिन उसे बंधु तिर्की ने 400 करोड़ का पेश किया है, वहाँ 200 करोड़ का घोटाला। इसके अलावा बिना टेंडर का ऊपरी तरीके से खेल सामग्री खरीदने का आरोप है, जो कि लगभग 28 करोड़ का है। ये सारे चीज़ों को कैसे कोई झुठला सकता है। माना कि सीबीआई रेड पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं कहना होगा कि इनके ऊपर भी चार्जेस जो है वो करप्शन के लग चुके हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है इनको सीबीआई को यूज़ करी क्या नहीं करी, ये बात की बात है। लेकिन बंधु तिर्की जिस तरीके से कुछ दिन पहले उनकी विधायिका चली गई है मांडर की, और अब बैक टू बैक सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा घबराए और बौखलाए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे खिलाफ साजिश है। आप सुनिए खुद बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा। आप लोगों का ये चैनल में बहुत लोगों का हम देखते हैं, कहते हैं भाई वो जो हमारा डीए केस भी आपका 34वीं राष्ट्रीय खेल कूद में हम मंत्री थे, उसी से रिलेटेड जांच पड़ताल सीबीआई जांच किया था, उसी चीज को जांच किया था। जो आपको मालूम होगा कि खेल गांव को बनाने के लिए नगर चुना हुआ, इसे बड़ा अटैच किया, ये हो दिल्ली बॉम्बे के बारे में, और वो भी गलत तरीके से कोई फर्जी लोग पीआईएल किया था। जो आरोप लगाया गया था इसे पूर्व, उस पर भी एक भी आरोप को सीबीआई प्रमाणित नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ा। माननीय रघुवर दास की कृपा से आपका कोलेबिरा चुनाव हो रहा था, फिर मामला को उसको सुलगा दिया गया, और सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट देने के बावजूद उसमें जो आपका वो भी कोई राशि गलत तरीके से 6,28,000 का कोई उसका बिना प्रमाण दिए, मैंने मोटिवेटेड होकर के, मैंने ऐसा मैंने देश में पहला किसी जनप्रतिनिधि का उसका विधायिका चली गई, हमारे विधायिका समाप्त हो गई, पहले वाला मैं बता रहा जिसमें हुआ था। फिर उसी मामला को बोलता है कि 34वें राष्ट्रीय खेल कूद भाई आपको क्या मिला, वही एजेंसी जांच करता है, क्लोजर रिपोर्ट देती है, फिर वही एजेंसी। और जिस तरह से मेरी छवि को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास हो रहा है कि तुरंत चुनाव का घोषणा होना, उसके बाद में 24 घंटा के अंतर सीबीआई का छापा होना, और क्या मिला नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सीबीआई को अच्छी बात है उन्होंने जांच पड़ताल किया, अब है कि जो मिला है जो चीज़ उसको सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में रखें। जांच चल रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, गलत हुआ है बिल्कुल होनी चाहिए, और जो लोग इस पर संलिप्त हैं उन लोगों को कार्रवाई भी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से राज भी बदनाम होता है, और प्रदेश के लोगों का उनकी दाढ़ी कमाई भी इस तरह से भ्रष्टाचार करके इसका लोग इसका अपना निजी लाभ लेते हैं। इसी के क्रम में कल मेरे
बनहोरा जो हमारा पैतृक आवास है वहाँ सीबीआई का छापा हुआ। उसके बाद वहाँ करने के बाद ये जो सरकारी आवास यहाँ भी छापा मारा गया और 9-9 घंटा बनहोरा में 3 घंटा यहाँ 9 घंटा वहाँ 7 लोग थे यहाँ 6 बाद में 14 लोग हो गए। मैं तो दिल्ली में था 9 घंटा में एक माहौल बनाने का प्रयास बंधु तिर्की के घर में छापा मारी 9 घंटा तक पूरा जांच पड़ताल कर रहा है। अभी तो कोई कोई चैनल में अभी दे रहे हैं कि अभी तक जारी है छापा चल रहा है तो देख रहे मैंने किस तरह का माहौल मेरे जैसा नेता पर। बाकी चीजों का जो किया जिसका मिल रहा है उसको जो कार्रवाई करना है करे। फिर बाप रे बाप 9 घंटा छापा बनहोरा में भी और क्या कोई बेनामी अकाउंट या कोई संपत्ति या कुछ भी चीज मिला? सरसों के दाना के बराबर भी मिला या कुछ मिला तो पब्लिक डोमेन में मैं आग्रह करूंगा एजेंसी के पदाधिकारियों को ये मामला पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए इसको। बतावे कि 9 घंटा जांच हुआ, माहौल बाहर बना पूरा माहौल, 9 घंटे तक जांच चली 9 घंटा में क्या मेरा जिस तरह से क्या लोगों में माहौल देने का काम किया पूरा। और सबसे बड़ी बात कि भाई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन उपचुनाव का घोषणा के 24 घंटा के बाद ही बंधु तिर्की के पास सीबीआई का छापा। अब मिला क्या? तो जैसा आपने सुना बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, बार बार वही राग वो कल से अलाप रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान, जो भी रीज़न हो सकता है। आपको बता दें ये मामला पूरा पूजा सिंघल से शुरू हुआ था, ईडी का रेड पड़ा था और पूजा सिंघल के बाद बैक टू बैक एक से एक बिजनेस टाइकून के घर में छापे पड़े हैं और अब सारा मामला घूम के सीबीआई का बंधु तिर्की पे भी आ पड़ा है। क्या होगा आगे, क्या अपडेट आएगा, हम आपको लगातार जीएन भारत पे देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।